अनेक मेहमान एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके रूबरू और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आपके रूबरू में आज हमारे साथ जो रूबरू होने जा रहे हैं वो है वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा। और जैसे आप जानते हैं कि हम हर बार रूबरू में हर नए मेहमान को, हमारे जो साथ रूबरू होते हैं वो हमारे नए से नए मेहमान होते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मुद्दे होते हैं वो उन्हीं मेहमानों से पूछे जाए, उनसे ही सवाल किए जाए। लेकिन आज हमारा मुद्दा हटकर है, आज हम पत्रकारिता लाइन की ही बात करेंगे और कुछ एक ऐसी चीजों पर भी बात करेंगे जो आपके सामने आएगी। सबसे पहले बीरबल शर्मा जी, आपका रूबरू में, आपके रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीरबल शर्मा जी, मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप, आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी, आपने कहाँ से शुरुआत की थी? मूलतः तो मैं एक छायाकार हूँ, फोटोग्राफर जी, और मेरा मुख्य जो एक कार्य है वो भी फोटोग्राफी का है जी। वर्ष 1972 में मैंने फोटो का कार्य शुरू किया था जी। सुंदरनगर से काम सीखना शुरू किया था 15 अगस्त 1972 को जी। 1973 में मैं अपने गुरुजी के साथ ही मंडी आया और लगातार 10 साल तक मैंने यहाँ काम सीखा जी। यहाँ लक्ष्मी स्टूडियो में, मोती बाजार में, लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस स्टूडियो है काफ़ी। 1982 में मैंने अपना एक अलग से स्टूडियो स्थापित किया कॉलेज रोड में, बीरबल स्टूडियो के नाम से जी। और उसके साथ ही जो है मैं कह सकता हूँ कि एक छाया का, एक ऐसा फोटोग्राफी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जी। जो एक अलग दिशा में फोटोग्राफी को भी ले गया और हमें भी ले गया, जिसे मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को या मंडी जिला को एक जो यहाँ की सांस्कृतिक समृद्ध दौलत है, सुंदरता है, या जितनी भी यहाँ की विधाएं हैं उसका छायांकन हमने शुरू किया, जिसका काम, जिसका कार्य आज दिन तक जारी है। आप इस लाइन में आए कैसे, आपने ये लाइन चुनी क्यों? ये तो सब एक घटना बस रहता है, क्योंकि उस वक्त तो पत्रकारिता, मतलब ये पत्रकारिता क्षेत्र ले लो, चाहे आप छायाकार ले लो, तो बहुत कम होते थे उस वक्त। ये तो एक बाय चांस ही हम इस जो छायाकार का जो कार्य है इसमें आए जी। बेसिकली मैं हमीरपुर जिला का रहने वाला हूँ जी। वहाँ बरसल में जो एक प्रख्यात आपका एक पीठ है, सिद्ध पीठ है बाबा बालकनाथ, वहाँ जैसे मेरे घर हैं जी। तो हम बहुत एक गरीब घर के, बहुत गरीब घर के रहने वाले हैं जी। बहुत ही गरीब घर से मैं संबंधित रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ BSL प्रोजेक्ट में कार्य करते थे सुंदरनगर में जी। तो मैं 15 साल की उम्र में ही वहाँ आ गया। उनका एक ऐसा एक सोच थी मेरे पिताजी की कि इनको शास्त्री बनाना है, संस्कृत का अध्यापक, संस्कृत सिखानी है, या उसको शास्त्री माना है, या जो हमारे पंडित पुरोहित होते हैं जी, विवाह शादियाँ पढ़ते हैं जी, इस तरह से उनको इस लाइन में लाना है। तो वहाँ जो संस्कृत कॉलेज था सुंदरनगर में, जो अभी भी चल रहा है, काफ़ी फेमस है, एक ही जिला का एक कॉलेज है, वहाँ पर वो जो मुझे उन्होंने कोशिश की कि प्रवेश दिलाया जाए, लेकिन किसी कारण से, देर होने के कारण से मैं वहाँ प्रवेश नहीं ले सका। और जैसे ही मैं कोई मजदूरी का काम करने लगा या कुछ इस तरह के रोजनेपन की सोचने लगा, तो उसी में मैं अपने जो गुरु है हमारे सरदार सुखजीत सिंह जी, उनका एक स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो पुराना जाल में, उनके संपर्क में आ गया। और संपर्क में भी कोई छायाकार बनने के लिए नहीं आया, बल्कि घर का काम करने के लिए उन्होंने मेरे को मूल रूप से रखा वहाँ घर में जी। घर में रखने के लिए ऐसा करके कि तो खाना वगैरह बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए, गांव का आदमी लड़का था तो उन्होंने सोचा कि काम करेगा जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है हमारे यहाँ फोटोग्राफी के लिए काम करने के लिए ठीक रह सकता है, तो फिर वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया जी। ऐसे हमारा कोई विरासत में कोई छायाकार नहीं था, ना कुछ था, हम तो एक बड़े दूर दूर गाँव के और बड़े गरीब परिवार से रहे हैं, और कृषि वगैरह करके हमारा परिवार का जो गुजारा चलता रहा। आप जैसे आपने कहा कि आप गरीब परिवार से संबंध रखते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब परिवार से संबंध रखते हैं लेकिन उनमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो विकलांग है, वो अपने आप को सक्षम नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा,
मौका देने से होता है, मिलने से होता है, या मौके की तलाश होती है, या क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिसमें जो बड़े बड़े काम हैं वो गरीब लोगों ने किए हैं, बड़े बड़े काम जो बड़ी बड़ी खोजें जो अनपढ़ लोगों ने किए हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े जो कार्य है विकलांगों ने किए हैं, जो लोग सक्षम नहीं है उन्होंने किए, जिनके पास साधन नहीं है उन्होंने किए हैं। अभी हाल ही में एक मैसेज में सर्कुलेट हुआ है यहाँ पर एक फोन में, तो बड़ा अच्छा मैसेज, उसमें उन लोगों का नाम लिखे गए कि जिन्होंने अपने जीवन का कार्य रिटायरमेंट के बाद शुरू किया, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद ही जो कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया 60 साल को मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बड़े से बड़े जो दुनिया में काम हुआ कोई काम तो उन्होंने उसके बाद शुरू किया, जो गरीब ने शुरू किया, जो व्यक्ति जहाँ है वो वहां पर ही इतना अच्छा काम समाज के लिए कर सकता है, बसरते उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल अभाव में रहना कि मेरे पास, मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि कई बार एक चपरासी उस काम को कर देता है जो डीसी नहीं कर सकता। इसी तरह से कई असंख्य उदाहरण है जो आदमी जहाँ है उसी जगह पर समाज के लिए अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये सिर्फ एक बहाने होते हैं आदमी के कि अगर मैं वहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा काम करता, मैं अमीर होता तो ज़्यादा अच्छा काम करता, मैं जवान होता तो ज़्यादा अच्छा काम करता, ये सब बहाने हैं। जो आदमी अगर कुछ करना चाहे, उसकी इच्छा शक्ति हो, तो बहुत कुछ कर सकता है इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। और इस उदाहरण दुनिया भर में भरे पड़े हैं जिनके जो साक्षात है अपने आप में लोगों को बताने के लिए। यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। हमने सुना है कि कुछ समय पहले जो धरोहर है, हमारी धरोहर है, उनको बचाने के लिए भी आप आगे आए थे। हमारा एक संगठन है पुरातत्व चेतना संघ, यहाँ पर जिला भाषा अधिकारी थे डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी, वो उन्होंने एक उसको इस तरह के संगठन बनाने के लिए, और भी संगठन उन्होंने काफ़ी बनाए इधर जो कला मंच हैं दूसरे हैं, लेकिन उन्होंने पुरातत्व चेतना संघ जो गठित करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई जी। तो इसी तरह से कुछ और संगठन भी मंडी में हैं, इन सब की एक सोच रही है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है जो मिट रही है उसको बचाया जाए। और जिस वक्त जो है मंडी जो है इतने प्राचीन मंदिरों का शहर है, आप देखते हैं यहाँ पर कुछ मंदिर तो बचे हुए हैं जो पुरातत्व जो विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग उसके अधीन है, जैसे त्रिलोकीनाथ का है, पंच बख्तर का है, अर्धनारेश्वर का है, या बरसेले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी मंदिर हैं जिनमें रंग रोगन का आप देखते हैं कितना प्रभाव है, लेकिन उस रंग रोगन के लगातार प्रभाव से जो है उन मंदिरों की जो पुरानी निकासी है, उस समय की जो कला है, 300-400 साल पहले के जो वहाँ पर कारीगरों ने काम किया है, वो सब जो उसके अंदर पेंट की उसमें जो परत में दब गया है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मंडी में ही बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किए, चाहे बाबा भूतनाथ के मंदिर की बात हो, या जो वर्तमान में डाकघर है जो दरबार हॉल जिसको बोलते थे उसको बचाने की बात की हो, इन पे इसमें पे संकट आए हैं, लेकिन कुछ अब जो है ये लोग समझने लगे हैं कि अगर हम इस धरोहर को नहीं बचाएंगे, इसको लगातार सीमेंट संगमरमर और उसके पर से ढकते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा बचाने को, बताने को उनको, और शोध का विषय जो है वो नहीं रह पाएंगे, तो इनको बचाया जाना चाहिए। मेरा भी सबसे आग्रह है कि जो लोग जो प्राचीन धरोहर को किसी न किसी अज्ञानता बस रंग रोग से दूसरे खराब कर रहे हैं, तो उसको ना करें, और इसको जो बचा के रखें इसको संग्रह, मतलब एक अपने आप में दस्तावेज है, इसमें इस तरह से इसको बर्बाद ना करें, सबको आगे आना चाहिए इसमें। इसमें और भी है, इसमें जैसे पुराने ड्रेस हैं, जिस तरह पुराने जो है हमारे बर्तन हैं जो फेंक देते हैं, तो उसे इन चीज़ों को संभाल के रखा जाना चाहिए। हमने भी प्रयास भी किया, हम भी शुरू कर रहे हैं, म्यूजियम भी बना रहे हैं, ताकि सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए कि हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह का उनका जनजीवन था, उससे तभी पता लगेगा अगर कुछ बचेगा। आपने अभी बात की ड्रेस की बात की, तो वेशभूषा जो हमारी हिमाचली वेशभूषा है वो भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, और आज देखा जाता है कि युवा वर्ग तो उनको तो शायद पता ही नहीं है कि हमारी हिमाचली वेशभूषा है क्या है। और अगर देखा जाए इसमें एक चीज और देखा, जितने भी युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, या फिर जेंट्स हैं, युवा वर्ग है, लड़के हैं, उनको अपनी जो हमारी वेशभूषा है उसके प्रति ना ही तो उन्हें पता है और ना ही वो अपना रहे हैं, तो ये लुप्त होती जा रही है। क्या कहना चाहोगे, कैसे बचाया जाए? ये जो गोटा संस्कृति है या तर्क भड़का युग है, इसने इस चीज को काफी हानि पहुंचाई है जी। आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने ये एक जिला प्रशासन ने जो है एक कॉफी टेबल बुक भी तैयार किया है, उसमें कुछ चित्र हैं, पुराने चित्र हैं, उसमें आप देखेंगे
कि मंडी का जो पारंपरिक ड्रेस था आंगू या चोड़ू वो उसमें महिलाओं को और पुरुषों को देखा जाए तो वो तो अब देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे जैसे मांडव्य कला मंच है, इन्होंने एक ड्रेस तैयार किया, जब भी इसका स्थापना 1988 में, तो उन्होंने इस गोटा संस्कृति से हटके उस ड्रेस को तैयार किया। आज भी वो पहनते हैं लुड्डी में, वो आप उसको देखेंगे उसमें कोई गोटा लगता है, अंगू पहनते हैं लड़के, वो हमारा प्राचीन परंपरा जो एक मंडी का जो पहरावा था पहरावा है वो उसमें बताते हैं। चोड़ू है वो जो 15-20-25 मीटर का बनता है, वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा इसको जो है इसको संरक्षण करने की बचाने की जरूरत है। ये जो जीन संस्कृति ठीक है नई पीढ़ी के लिए ठीक है, लेकिन इसको पुराने को भी संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, जो यहाँ कुल्लू में 7 अक्टूबर 2014 को जो एक बड़ी नाटी हुई जो विश्व में विख्यात हुई लिम्का रूप में आई है, उसमें जो है 9,000 के लगभग महिलाओं ने अपना लोक नृत्य किया। वहां देखने की बात है कि जितने पढ़े लिखे बड़े अमीर एच एस आई एस जितने भी महिलाएं थी सब उसमें अपने कुल्लू के पट्टू डाल के आई और उसमें उन्होंने जो पुराने जो गहने थे उनके जो चंद्रहार वगैरह दूसरा वो लगा के आए, वो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा संदेश गया संदेश गया। तो इस तरह के जो है इस तरह के संग्रह के जो एक कोशिश है वो होती रहनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन मंडी को इसके लिए बड़ा प्रशंसा करता हूँ उनकी और उनको एक वो भी देता हूँ कि बड़ी उनका कदम रहा जो कॉफी टेबल बुक निकाली है ना उसमें पुराने चित्रों को संग्रह किया, एक दस्तावेज बन गया ना। चलिए मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आपके रूबरू में जल्द लौटते हैं।